तो चलिए आज हम बनाएंगे टमाटर का पापड़। तो बहुत ही टेस्टी पापड़ बनता है ये, जैसे आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम आसान भी है बनाना। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इधर ले लिए आप कोई सा भी टमाटर, अगर रेड कलर के एकदम लाल लाल टमाटर मिल जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर थोड़े से कच्चे भी है तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रेश टमाटर ले लिया है क्योंकि एकदम देसी टमाटर है, वही टमाटर है, 1.5 किलो टमाटर लिया है मैंने। तो इन टमाटरों को मैंने काट लिया है, कच्चे टमाटर हैं ये, और इनको धो के अच्छे से साफ करके इनको काट के मिक्सर जार में डाल देंगे। छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और काट के मिक्सर जार में अभी इनको हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट कितना बनाना है पहले दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है, अच्छे से बनाना है, मतलब इसमें जो लम्ब्स वगैरह हैं वो ना रहें। तो इस तरह से फिर एक छन्नी की मदद लेंगे, छन्नी आपके पास इस तरह की छन्नी होते इस तरह की छन्नी ले लीजिए, या फिर कपड़े से किसी भी तरह से आप इसको छान लीजिए, या फिर आपके पास ये ना हो तो जिससे आप आटा चालते हैं वो छन्नी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब लेंगे तो उसके जो मोटे मोटे लम्ब्स हैं वो निकल जाएंगे और इसका पतला पतला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो रेशे हैं वो निकलना जरूर, क्योंकि जब हम कच्चे टमाटर पीसते हैं तो उसमें जो ऊपर का छिलका वगैरह होता है वो होता है, उससे ये इतना स्मूथ नहीं, ऐसे भी आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्मूथ रहे इसलिए हमें इसमें छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो छानने के बाद ये ऊपर ऊपर के बीज वगैरह है वो भी अच्छे से छन जाते हैं, ऊपर ये जो देखिए इतना निकल गया है। अब इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको आप किसी भी सब्जी में आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से छन्नी से छानने के बाद जो पतले पतले, अब इसमें मैंने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है तो पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही पीसना है। इस तरह से छानने के बाद जो ऊपर का ये लम्ब्स है निकल जाएगा, इसको आप किसी भी सब्जी में किसी भी चीज़ में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे छानने के बाद इस तरह से हमारा निकल गया। अब यहाँ लेंगे हम, इसी में डालने के लिए हम लेंगे साबूदाना, बारीक वाला साबूदाना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी ये भीगे हुए मेरे पास पड़े थे, लेकिन आपके पास अगर कच्चे हैं तो वो कच्चे ज़्यादा वेस्ट होंगे, मेरे पास भीगे थे तो मैंने भीगे हुए लिए थे। एक आधी कटोरी, छोटी कटोरी, इसमें जैसे 1.5 किलो टमाटर है तो करीब 100 ग्राम के करीब साबूदाना ले लीजिए। तो साबूदाना को, कच्चे साबूदाना को ही पीस लीजिए, या फिर आपके पास भीगे हुए हैं तो उनको भी इस तरह से पीस सकते हैं। अब पीसने के बाद बारीक में बारीक जैसे एकदम पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया, इस तरह से ऐसा पेस्ट होना चाहिए। तो जैसे ये जब बारीक साबूदाना रहेगा वो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, भीगे हुए रहेंगे तो भी चलेगा, अगर बिना भीगे हुए पीसेंगे तो एक पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों का अब हम मिला लेंगे साबूदाना को, एक कटोरी हो गया है पीसने के बाद, इस तरह से जब पानी डाल के हम पीसेंगे तो एक कटोरी के लगभग बन गया है। यहाँ मैंने इस तरह से साबूदाना को, अब पानी वही लिया है जो मिक्सर जार में पीसा था मैंने टमाटर, उसी जार में मैंने पानी, अभी इस हिसाब जितना मैंने साबूदाना लिया है उसे, अगर आपके पास सूखा साबूदाना लिया है तो उसके हिसाब से 4 कटोरी पानी, जैसे 1 कटोरी साबूदाना है तो 4 कटोरी पानी ले लीजिए। अगर आपके पास भीगे हुए हैं तो, क्योंकि भीगे हुए में थोड़ा सा कम रहेगा तो आप उसमें थोड़ा सा पानी कम यूज कीजिए, 3.5 कटोरी पानी, बस इतना ही इसका मेजरमेंट होना चाहिए। ज़्यादा इसमें होगा और थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से पूरा परफेक्ट रहेगा हमें पापड़ बनाने के लिए। तो उसके बाद इसमें साबूदाना 4 कटोरी पानी डाल देंगे और उसके बाद हमने ये जो टमाटर का पेस्ट था उसको भी मिला देंगे। अब अभी हमें इस पर गैस में नहीं चढ़ाना है, अभी हम नीचे इसको डाल के अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। मिलने के बाद हम इसको गैस में चढ़ा देंगे, ऑन कर देंगे गैस, और यहाँ पे मीडियम पे हमने गैस को ऑन किया हुआ है, फुल फ्लेम पे नहीं रखेंगे गैस को, मीडियम पे रखेंगे और चलाते हुए इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे, चलाना अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे साबूदाना है वो लग जाएगा, इसलिए हम इसको चलाएंगे नहीं। अब इस तरह छोड़ेंगे नहीं चलाते हुए, जैसे हमें देखिए इसके उबाल आने लगे अच्छे से, जैसे ये उबाल आने लगेगा तो थोड़ा गाढ़ा सा होने लगेगा क्योंकि साबूदाना है, इससे इसमें थिकनेस अच्छे से आ जाएगी। अब इसको हमें कम से कम 5 मिनट तक इसको फुल फ्लेम पे उबालते रहना है और चलाते रहना है कलछी से और लगातार, क्योंकि चलाने से क्या होगा कि अच्छे से नीचे चिपकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से मिल भी जाएगा। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसको 5 मिनट लगभग पकाएंगे। अब इसमें जो ऊपर इसकी झाग है वो ख़त्म होने तक इसको, इसका सिर्फ इतना ही है कि इसका झाग जब ख़त्म हो जाए तब समझिए हमारा ये
लमसम रेडी है। तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें कलर और अच्छा कलर देने के लिए, क्योंकि टमाटर का पापड़ है तो कलर अच्छा आना ही चाहिए, तो उसमें हमने रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली कलर वाली पाउडर दे दिया आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च दिया है। तीखा अगर खाते हैं तब आप वही डाल दीजिए, नहीं तो आप कटी हुई हरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें धनिया की पत्ती डाल दीजिए कटी हुई, और उसमें आधी मतलब जैसे कि आप एकदम छोटी चम्मच से भी, जैसे दो चुटकी भर के उसमें, इतने अगर 1.5 किलो से 2 किलो के लगभग टमाटर है तो 2 चुटकी भर के आप इसमें डाल दीजिए मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा है वही डाल दीजिए। अगर वो डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आपके पापड़ बनेंगे। आप इसको पापड़ भी बना सकते हैं, आप इसको और भी गाढ़ा करके इसके कुरकुरे भी बना सकते हैं। इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमने सेंधा नमक का प्रयोग किया है, आप चाहे तो इसमें नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। और फ्रेश धनिया की पत्ती डाल दीजिए, इसके बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट, देखने में भी बहुत अच्छा लुक आएगा। इस तरह से हम और भी ज़्यादा पकाएंगे। अभी इतना हमें गाढ़ा आप देख पा रहे होंगे, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि इसकी थिकनेस, अभी जितना गाढ़ा है चलाते हुए, ये देखिए कलछी से उठा के दिखा रही हूँ, बस उतना गाढ़ा होना चाहिए। और इतना पकाने के बाद जब आप निकाल देंगे इसको, तो आप थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से, तब ये और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, मतलब आपको लगे कि ये जैसे हम कलछी से जब डालेंगे तो एकदम अच्छे से होना चाहिए। तो यह लमसम पक गया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, चलाते हुए छोड़ दिया है। अब एक पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, कपड़ा यहाँ नहीं डालेंगे, पॉलीथीन कोई भी सी ले लीजिए। और इसमें धूप में, अभी समर का टाइम है, धूप अच्छी आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा तेल घी जो भी आप डालना चाहे उसमें पॉलीथीन लगा दीजिए, कलछी से आप साइज अपने हिसाब से रख के कलछी से फटाफट इस तरह से डाल दे जाइए। तो ये देखिए मैंने सारे पापड़ों को ऐसे धूप में डाल दिया है, अभी 1 से 1.5 घंटे बाद ये अच्छे से, ये समर टाइम में धूप अच्छी हो रही है, तो आपको 2 से 2.5 घंटे में अच्छे से पापड़ सूख जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे पापड़ों को धूप में अच्छे से डाल दिया है, तो अभी सूख गए हैं हमारे पापड़, 2.5-3 घंटे में हमारे पापड़ अच्छे से सूख गए इस तरह से। तो ये देखिए पापड़, और ये इतना टेस्टी पापड़ बने हैं टमाटर के, अभी इनको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, अभी इसको गर्म हो गया है तेल, अब इसको हम एक एक करके फ्राई करके दिखाते हैं। ये देखिए कितने फूल फूल के बड़े से हो रहे हैं, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अच्छे एकदम नए से पापड़ बनके हमारे रेडी हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। आप जब बनाएंगे उसके बाद ही कमेंट करिएगा कि आपके पापड़ कैसे बने। अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको भी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको फर्स्ट में मिल जाए। ओके, बाय एंड टेक केयर।